ਓਏ ਵਾਹ ਸਾਰੀ ਚੂੜੀਆਂ ਮਹਿੰਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੀਕ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਪਕੋ ਗਿਫਟ ਹੈ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਮਹਿੰਦੀ ਅਭੀ ਗਿਰਾ ਦੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੇ ਤਾਂ ਕਿ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਕੋ ਮੈਂ ਰੋਤੀ ਰਹੂੰਗੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥੋਂ ਪੇ ਮਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਚਮਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਂਧੀ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਰਸਤੇ ਮੇਂ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਚੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾ ਬੱਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖ ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ Hi guys, this is me, Hira Faisal, and welcome to my YouTube channel. Eid aane wali hai, Eid ki taiyariyan karne wali hain. Aur hum log ja rahe hain shopping karne, Eid ki shopping karne. Aapko saath saath dikhate hain. Aur jahan tak mujhe yaad hai, maine kuch bachchon se promise kiya tha ki maine unhe Eid ke kapde dilwane, to unhone kaha tha baaji thoda chheti saanu de jaye je. To mujhe unke liye bhi shopping karni hai. तो चलते हैं कोई अच्छी सी मार्केट ढूंढते हैं भाई मेरा अभी मॉल्स वगैरह में जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है तो किसी अच्छी सी मार्केट में जाते हैं शॉपिंग करते हैं आपको एंटरटेन करते हैं ओके सो मैं अपनी अम्मा के साथ जा रही हूँ मम्मा याद है ना वो बच्चे किधर खड़े होते हैं हाँ चीज़ें तो पहले उनके लिए लेके आए जी क्या मैंने भी लेनी आपने क्या लेना है मेरी अम्मा को पड़ गई मैंने भी लेना है तो ये अम्मा के लिए भी कुछ स्पेशल चीज़ लेते हैं तो जी मामा आ चुकी हैं वो फातिमा हमें वहाँ से टाटा बाय बाय कर रही है इसको मैंने कहा था जो कह रही है नहीं मुझे नींद आ रही है सो फातिमा आ जाओ बड़ा मज़ा आएगा ईद की शॉपिंग करने जा रही ईदी चाहिए कोई कह रही है कोई कैचर शैचर चूड़िया मेहंदी सब लेके आएंगे कैचर चाहिए शुआरमा ओए वो वाला लेके आऊँगी लाजमी उधर ही जा रहे हैं ठीक है शुआरमा फातिमा को शुआरमा खाना है ठीक है सो लेट्स गो अब हम लोग चलने लगे हैं तो मैं और मामा इस टाइम एक महाज मिशन पे हैं अपने मुंह छुपाए हुए हैं और हम लोग जा रहे हैं मेरा कैमरे का एंगल बिल्कुल नीचे किया हुआ है मैंने सो अब यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के मामा वैसे ये छोटे ज़्यादा छोटे बच्चों के कपड़े नहीं हैं इसके लिए ना आपके पास इतने इतने बच्चे होने भी चाहिए आपके बच्चे बड़े हो गए हैं ये देखें मामा सूट भी अच्छा है लेडीज़ क्या प्राइस है इसकी 1650 सही नहीं महंगा है है कि नहीं है मेरी अम्मा जूतों वाली दुकान ढूंढ रही हैं जब मेरे काम की चीज दिखे ज्वेलरी देखते हैं कुछ मिलता है या नहीं बट क्या रेट लगा रहे हैं भाई कैचर है पूरा छोटा सा अलग अलग है ये देखें स्नो वाइट नहीं क्या उसे कहते हैं क्या थी फ्रोजन यहाँ पे देखे चूड़ियों के स्टॉल और मेहंदी ये क्या है मतलब लगाने की जरूरत नहीं पड़ती ऐसे ही लगा लगा के चांद रात वाले दिन लगानी है तो तब तक पड़े पड़े रंग ना उसका उतर जाए एक सेकंड में और ये क्या है कीले वाली मेहंदियाँ ये कोई नई मेहंदी इन्वेंशन हुई है मुझे भी पता चला ले लिया आपने चूड़ियाँ मेहंदी का क्या रेट दे रहे हैं ये 250 की है ये 200 की है नहीं ये 200 उल्टा बल की है ये सोने की मेहंदी है गोल्ड ये 250 की है कलर पक्का रहेगा चेक अभी चेक कर लेते हैं आप मामा मामा भाई हाथ गंदा ना करना बस ऐसे बस थोड़ा सा थोड़ा ये तो वो अरक वाली मेहंदी है ना सारी मेहंदी अभी गिरा दो मेरे हाथ पे ताकि चांद रात को मैं रोती रहूँगी मेरी हाथों पर मेहंदी पहले ही लग गई कितनी मज़े की खुशबू है मेहंदी की सेकेंड ये ब्लैक वाली की ये कराची की है या लाहौर वाली है हैदराबाद से हैदराबाद की मेहंदी है रंगली मेहंदी ये तो कुछ साफ करने को मिलेगा तो भी पता लग जाएगा आप जो देख एम लिख लिया ये कौन है ये कौन है मेरे पे पता नहीं क्या लिखने की कोशिश की है इसको थोड़ा सा फैलाए कह रहे थोड़ा फैलाए मेरे हाथ खराब ना हो जाए कि हम भाई के कहने पर फैला के देख लेते हैं ये वाला रंग तो मुझे पता है आगे ओ वाह अरक वाला भाई साफ कैसे करें इसको ये तो सही है यही ले लेते हाँ मैं जा ओए वाकई ये ब्लैक कलर आया है मुझे ये वाला अच्छा लगा रेड वाला दोनों ले लेते हैं एक एक ये देखो रेड वाला अच्छा हाँ एक रेड वाली ले लेते हैं ऑरेंज वाली एक वो ले लेते हैं अरे ये ले लेते हैं इसका क्या तरीका है वो कह रहे हैं ये जब मर्जी जितने बार हाथ पे लगाओ और मेहंदी मेहंदी के ऊपर लगानी है ये फूल बन जाएंगे यहाँ ये डिजाइन नीचे बन जाएगा हाथ पे तो जो छापा वैसा ना बना वो हमारे हाथ खराब हो गए फिर छापा बढ़ाई इसीलिए ये डिजाइन पसंद करे चलते इसीलिए लोगों ने कहना कहाँ से लिया मेरी ये तो कहीं से भी मिल जाएंगे कि नहीं कि आपके पास होते हैं इस मार्केट में एक मैंने रखे हुए ये साथ दूसरी शॉप है उसको भी दिए हमें अब हम अपनी मेहंदी का डिजाइन पसंद करें जो हमने चांद रात पे लगाएंगे ये वाला डिजाइन कितने का है ये आपको 300 का मिलेगा लो भाई 300 की मेहंदी ना माने जाए एक 300 का 300 तो लगाने का ही लेते हैं देखा मेहंदी वाली 300 ले लेगी मेहंदी वाली इस डिजाइन में कम से कम 1000 रुपये लेती हैं
हजार तो नहीं लेती। ये मेहंदी वाली बैठी हुई है यहाँ पे हमारे पास, ये कोई नई चीज इन्वेंट हुई है वैसे, मुझे आज पता चला मेरे हाथों में मेहंदी लग के खराब हो चुकी है, फैल चुकी है, लेकिन इस मेहंदी का जो रियल कलर है ना वो ये है। तो ये चिपकेगा कैसे? चिपकना नहीं है, अच्छा 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 उतर के चिपक जाएगा ना हाथ पे अपने डिजाइन के लिहाज से। ये हल्का रख के ना ऊपर। ओह अच्छा, वो पूरा हाथ पे। अच्छा ये ब्लैक वो है, लेकिन इसकी फिर एक दफा चिपकाहट खत्म हो जाएगी। तरीके से लगाएं, दूसरा रखे ऊपर, दूसरा दो तीन दफा तो इजीली लगेगी। तो चलो एक पे भी लग गई, 300 रुपया तो पूरा हो जाएगा ना, जाया हो गया। नहीं अगर अब जब हमने इसे सेव करना है तो फिर इसका ये स्टिकर दोबारा, ऐसे लग रहा है गोल्ड में इन्वेस्ट कर रही है। काफी ज्यादा इंटीरियर चीजें लगी हुई है। आई लाइक दिस डियर, अच्छी लगती है। पर अभी हम कुछ और लेने आए हैं तो इसके लिए बाद में आ जाएंगे। मिल रही है ये देखो, चैन शाओ का दौर होता था ना तब वो उसमें पानी पीते थे। नहीं जूस मंगोल, ये तीन जूस थी खून, ये 6000 के तीन है, 6000 के तीन है जी। आपका पूरा खून पी जाएंगे आपका ये 6000। जग में पानी डाल के अम्मा ये सुराही आई। अच्छा ये चांदी के हैं सारे, चांदी तो नहीं लग रही। नहीं ये तो पीतल है, है। अच्छा वो चांदी की प्लेटिंग है इसलिए 6000 का रेट बताया। ठीक है, ये तांबे का जग है और ये तांबे का जग है। ये कौन सा दौर का है? पुराने दौर के, ये 7000 का पुराना रेट नए दौर के। अब तो तांबा भी महंगा हो गया। वो कह रहे हैं तांबे के बर्तन में पानी पिए ना तो जोड़ों की दर्दें खत्म हो जाती हैं। तो मम्मा एक ले लें, क्या ख्याल है? ले लो, तेरी दर्दें खत्म हो जाएंगी। दर्दें वैसे खत्म हो जानी है, रेट सुनने आता है। रेट सुन के हमें और दर्दें जहाँ जहाँ छिड़ जानी है वो कौन देखेगा? एक्स्ट्रा दर्द। मम्मा बस कर दे, इसमें फूल रखते हैं और इसको वापस रखते हैं। जी अच्छे बच्चों की तरह। तो गाइस आइए आपको दिखाते हैं पुराने ज़माने की क्रॉकरी। वो लोग इसमें चटनियाँ डालते थे, ठीक है, इसमें खून पीते थे जब भी वो जंग जीत के आते थे, इसमें वो लोग पानी पीते थे। ये उनकी सुराहियाँ हैं जिसमें वो इसमें टबैस्को सॉस डालते होंगे स्टेक के ऊपर। ये अम्मा को दूरबीन पसंद है, ये ज़रा ज़रा देखें। अम्मा ग्लासेस उतार के दूरबीन ले लें। इसमें दिखता क्या? मुझे तो दिख ही नहीं रहा कुछ। वो इतनी दूर से दिख रहा है, वाकई क्या देख रही हूँ मैं? मुझे लग रहा है हम किसी तारीखी शहर में आ गए। नहीं वाकई बहुत दूर से दिख रहा है, ज़रा दूर से देख रहे हैं। हाँ बहुत दूर से दिख रहा है, बहुत दूर से। ये ओरिजिनल है ना इसीलिए। वही वाह सारी चूड़ियाँ मेहंदी दिख रही हैं, करीब से ब्लर हो रहा है लेकिन दूर से दिख रहा है। 400 रुपये की सेल लगी हुई है, वाह कितने आउट क्लास रेट है यहाँ पे। सारे जूतों की रेडियाँ लगी हुई हैं और छोटे लड़कों के जूते हैं, छोटे बच्चों के वो लगे हुए हैं। चप्पल चलना है अंदर, कहाँ वो लगे हुए, हील नहीं चाहिए, छोटे बच्चों के लगे हुए हैं। मेरी हो गई है इस टाइम बस, मुझे रोज़ा लग रहा है शदीद, खुलने वाला है और कोई पता नहीं है किधर बैठ के खोल रहे हैं। बस शॉपिंग करने निकल आए तो निकल आए हैं, अभी हम रेस्ट कर रहे हैं। ओके भाई बार्गेनिंग कर करके दिमाग पागल हो गया, कहते हैं ना दिमाग खोला हो जाए। बड़े प्यारे सूट लिए, बड़े प्यारे जूते लिए हैं, अब रोज़ा खोलना है, अब कोई फाइनल डेस्टिनेशन ढूंढते हैं। पैसे भी ख़त्म हो गए मेरे पास। अम्मा रोज़ा खुलने का टाइम आ गया और आपके यहाँ पे अभी तक कैचर, मतलब यहाँ से अपने मेरी अम्मा ने हाँ, और यहाँ पे मैंने अपने लिए ये वाली पेंसिल ली है क्योंकि ये भी कहीं से नहीं मिलती हैं। मम्मा ये क्या चोंच ली है आपने, चिड़िया की चोंच? चल रहे मम्मा आप रोज़ा इधर ही खुलवाएंगी? ये कितने की? ये बची 200 में दे दूँगा। और अगर कोई चीज़ मैं पसंद कर लूँ ना तो कहती है कि नहीं तुमने नहीं लेनी है। इसको फील करके देखें मैट में, उन्होंने तो कहना है सही रहते हैं भाई, अच्छी चीज़ है भी कहना है, हमारी भी पब्लिसिटी कर दें, आप लोग बना रहे हैं तो नहीं लिया, कोई पैसे नहीं है, आपको गिफ्ट है। आ, मुझे गिफ्ट है। जूड़ा बना के ना तो आप उसको ऊपर से वो कर सकते हो। ये मुझे गिफ्ट मिला, मैंने लगा लिया अपने बालों पर। ठीक है, अब मम्मा ने लिया ही नहीं है, ये कह के कि बेटी को गिफ्ट मिल गया। आप भी गिफ्ट लेंगे ऐसी कोई बात नहीं, आप हमारे कस्टमर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपको बेस्ट गिफ्ट की भरमार हो गई है इधर। सही है, लेना तो मम्मा ले लें। हमारे एक और चैनल है एस्ट्रोलॉजी, आपने राबिया फैसल का भी चैनल, वो कंफ्यूज हो जाएंगे कितने चैनल ने। आपने एक चैनल सब्सक्राइब करना है हीरा फैसल का, ठीक है, और एस्ट्रोलॉजी में हम सब मिल जाएंगे। आप वैसे खोलेंगे बाकी सारे आ जाएंगे, ठीक है जी। आप भी लाइक सब्सक्राइब शेयर करें कमेंट जी करें। ये मैंने कहने को पक्का नहीं कहा, वो खुद कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं, खुद ही बोला है जी। तो उन्होंने मुझे ये वाला कैचर गिफ्ट किया, थैंक यू भाई आपने मुझे गिफ्ट। अच्छा मैं लिख रही हूँ, एक चैनल है हीरा फैसल, ठीक है, एक चैनल है सिस्ट्रोलॉजी, एक चैनल है राबिया फैसल,
ये सबकी सबकी प्रमोशन कर रही हूँ। घर जाके तुम लोगों ने मुझे पैसे लाना दिए थे, तुम लोगों का मुंह तोड़ दूंगी। एक हमारा भी लिखना है, उसको भी करा दे सब्सक्राइब, ठीक है। और एक है फातिमा फैसल। तो भाई अभी सारे चैनल सब्सक्राइब आपने तो किए होंगे, मैं इनको कह रही हूँ, मैंने स्पेशल लिख दिया है कि ये आपने सारे चैनल देखने जा, आप एक खोलेंगे ना आपको सबके मिल जाएंगे, ठीक है। ये होती है प्रमोशन सस्ती वाली जो मैं करके जा रही हूँ। ओके, सो हम लोग तो शॉपिंग में मसरूफ थे, पता नहीं चला बाहर इतने ज़्यादा बादल आए हुए हैं कि बस हमें यहीं से कुछ ले लें रोजे के लिए, कोई चिप्स वगैरह इधर से ही ले लेते हैं आ जाए। पता तो यहाँ से कुछ नहीं, लेकिन जितनी लंबी लाइन लगी हुई है ना, भागो घर भागो, पानी से रोज़ा खोलो बस। वैसे मुझे समझ नहीं आ रही है मैं ये वाला निशान गायब कैसे करूँगी, उसने इतना कहता फैला दो पूरे हाथ को। ये अम्मा अपनी चीज़ें फरोलते हुए, गाड़ी कहाँ खड़ी की, आगे खड़ी की है, थक गई हूँ सीरियसली। मुझे नहीं पता था हमारा आज इधर ही रोज़ा कम्प्लीट हो ले रही है, देख ली गाड़ी में बैठ के खाते हैं इफ्तार करती मम्मी। वो कह रहे हैं अभी ना जाओ हमें छोड़ के, रुके फट जाएगा ध्यान से, मेरी टांगों में बिल्कुल जान नहीं रही है, थक गई। मम्मा रोज़ा खुल गई है, जाने हो रही हैं, चलो 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 रोज़ा खोले। मम्मा लग पड़ी हैं और मैं जो थी इंतजार कर रही थी, मैं मम्मा की तरफ देख रही हूँ अभी देंगी मुझे, अभी देंगी ना अपने ही मजे के, बहुत मजे के दही भल्ले। दिखाएं जरा शक्ल, दिखाएं दही भल्लों की, यम्मी। चले मुझे दिखाएं, मैंने वैसे पानी शानी पी लिया था लेकिन भूख शदीद लगी हुई। आज हमारी इफ्तारी गाड़ी में, मजे के आज हमारी इफ्तारी, हमारा रोज़ा रास्ते में खुल गया, मुझे तो हंसी आ रही है, हम घर से सोच के क्या निकले थे। तो यहाँ पे कोई इफ्तार बांट रहा है, यहाँ पे काफ़ी किस्म का रश लगा है और हम उस रश में रुके हुए हैं। हमें काटो यहाँ से प्लीज़, हमें काटो सानू काटो इतो। सो दैट्स इट, दे आर डूइंग अ ग्रेट ग्रेट जॉब। ओके, सो बस एक और चीज़ रह गई थी और वो थी बारिश। तो भाई बारिश भी होना शुरू हो चुकी है ऑलमोस्ट, बिजली भी चमक चुकी है, आंधी भी आ चुकी है, बारिश भी हो चुकी है, हमारा रोजा भी रास्ते में खुल चुका है। शुक्र है हमारी शॉपिंग हो गई हमें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, शुक्र है हमारी शॉपिंग हो गई है, बस ये लड़कियों का डायलॉग है, बस हमारी शॉपिंग हो गई है। सो वी आर रिलैक्स्ड, अब घर जाके आपको जो जो चीजें नहीं वो दिखाती हूं। पापा हमारा वेट कर रहे थे आप, हमारा रोजा भी रास्ते में खुल गया, बारिश हो रही है, सर्दियाँ वापस आ गई है, सिर्फ आज के दिन सर्दी जा रही थी, गर्मी आ रही थी, दोनों की आपस में टक्कर हुई, अब पता ही नहीं चल रहा क्या आ रहा है क्या जा रहा है, ये मैंने कहीं पे पढ़ा था। राबिया ये लेके आए हैं हम स्पेशल, मेहंदी नहीं लगानी आती चांद रात पे, अगर मेहंदी वाली ना मिले तो मैंने कहा एक इमरजेंसी में हमारे पास एक होना चाहिए, अच्छी है ना, कह रहा सर यूज हो जाएगा, 300 रुपये का दिया उसने एक डिजाइन, मैंने कहा 300 रुपये में हम खुद ही ना लगा। ओके, सो फाइनली वो टाइम आ चुका है जब हम लोग निकल रहे हैं उनसे जो हमने प्रॉमिस किया था वो देने के लिए, ईदी देने के लिए, और कुछ सामान जो थोड़ा वजनी है उसे उठाया नहीं जा रहा, अभी हमारी बाबा हेल्प करेंगे इस चीज़ में। तो रात को मैं कहीं सो गई थी और मैंने कहा अच्छा यार बाकी की वीडियो हम सुबह कंप्लीट करेंगे। पापा भी आ चुके हैं, पापा जी सामान उठा के गाड़ी में रखना, थोड़ा वजनी है, हम सामान गाड़ी में रखा जा रहा है। मम्मा अजय चाबी, हाँ गाड़ी की चाबी रह गई। ओके, सो हम लोग पहुँच चुके हैं इधर, काफ़ी ज़्यादा शोर है, हवा चल रही है तेज, और अपने छोटे बच्चे से पूछते पहचाने हैं कि नहीं ईदी, तुमने कहा था ना कि पहले ईदो पहले ले आ दिया जे, तो ऐसी ईदो पहले ले के आए हैं, तो पड़ेगी तुम पहन के दोनों नहीं पाओ में जूते नहीं पहने हुए, पूरा पूरा आया है, जैक पूरा आया है, वैसे जूते दोनों नहीं पाओ में नहीं पहने हुए हैं, लोनू दे दोनों के सेम, इसलिए लिए बाद में वो लड़ेंगे, ऐ मेरा है तेरा है। महीने को बाद उन भी बड़े हो जाने ना तोड़े पैर, अरे छोटे ना ये तेरा सूट है, सूट वे पसंद आया कि नहीं, ते ईद ते पाने है सही है, ईद ते मैं तेन देखन आई है, चल खोल के देख ला बल्ले, पहले देख ले ओनु डब्बे च पा दे, पता लगे भी पूरा नहीं होगा यार, इसका एग्जैक्ट पूरा आया है, पूरा आया ना, और इसका देख लो इसका भी पूरा,
इसको भी पूरा आया ठीक है जी। असि बगैर साइज तो ले आने दिमाग से सोचा कि एडे एडे बच्चे इस्लाम ना दा मुंडा आंदा सी बाजी नू दस दिया जी मैं उहदा फैन हां। सही है कि अम्मा के लिए भी कुछ गिफ्ट लिया था तो हमने कहा कि फिर जो लगांगे ना तो तेरी अम्मी नू सूट देंगे तो आंदा कहता फिर नहीं रोज ही लंघना करना है तुसी। मेरी अम्मा जो है वो यहाँ पे खड़ी बातें कर रही हैं क्योंकि अम्मा बोल नहीं सकती। आई थिंक मैंने पिछली वीडियो में बताया था अम्मा वो देखे टिटो आपको देख के हंस रही थी हंस रही आपको देख के अच्छा मुंडा हंसी जाता है मम्मा नु देख के है ना खुश हो रहा है। चल ठीक है मेरे खुश शुक्रिया तो हमने जिन जिन लोगों की ईदी देनी थी उनको दे चुके हैं जिनसे मैंने प्रॉमिस किया था भाई। और इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर प्लस डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। हमें आज बड़ी खुशी हुई उन दो बच्चों को खुशी दे के इतना खुश थे इतना खुश थे वो कह रहे कि जब रोज आना है जब गुजरना है हमें मिलके जाना है उनका ठीक क्योंकि उन्हें टाइम से पहले ईदी मिल गई भाई हमें ईदी नहीं मिली अभी तक मुझे किसी की मुझे भी कहीं से ईदी नहीं मिली है यार। So, hope you like this video.